स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ नई वाली 2024 TVS Apache RTR 164V ऑल ब्लैक। तो आज ये वीडियो के अंदर आपको मैं कंप्लीट डिटेल में बाइक को राइड करके बताऊंगा। पहले हम इसके अंदर चेंजेस क्या हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे, और उसके बाद में चलाने के टाइम पे हम बात करेंगे कि आपको NS 160 लेनी चाहिए या फिर आपको TVS Apache RTR 164V लेनी चाहिए, बिकॉज डायरेक्ट कॉम्पिटिशन ये बाइक का जो है ये NS 160 के साथ ही मुझे लगता है कि एक प्रॉपर कॉम्पिटिशन रहेगा। सबसे पहले आपको मैं इसकी प्राइस बता देता हूँ। ये आपको ऑन रोड पड़ेगी 1,55,000 रुपीज़। अगर आपको हैदराबाद से ये बाइक को लेना है तो आपको TVS 1 का नंबर नीचे दे दूंगा, आप मेरा नाम रेफर करोगे तो आपको बेस्ट डील वहाँ से मिल जाएगी। अब आपको मैं बाइक थोड़ी सी ऐसे घूम के दिखा देता हूँ। ये बाइक में आपको ब्लैक के अलावा कोई भी कलर देखने को नहीं मिलेगा, पूरी की पूरी ब्लैक है ये बाइक, पूरी की पूरी। ये आप देख लीजिए, कंप्लीट ब्लैक आपको बाइक मिलती है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। फुल ब्लैक आपको बाइक यहाँ पर दी गई है। 12 लीटर का आपको पेट्रोल टैंक यहाँ पे दिया गया है। थोड़े बहुत आपको स्टिकर्स देखने को मिल जाएंगे RTR 164V Apache, और जो TVS का यहाँ पे लोगो दिया गया है हॉर्स का, वो भी यहाँ पे आपको फुल्ली ब्लैक्ड आउट मिलता है। नीचे आपको हाइपर एज यहाँ पे एक स्टिकर मिलता है, बाकी फुल बाइक जो है ना ये ब्लैक है। ये बाइक में बहुत सारे आपको वेरिएंट्स मिलते हैं, और हर एक वेरिएंट में आपको किसी में आप ड्यूल चैनल ABS मिलता है, किसी में आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है, किसी में आपको बहुत सारे स्टिकर्स देखने को मिलते हैं, और आपको स्पेशल एडिशन में भी ये बाइक मिलती है। ये वाला जो है ये ऑल ब्लैक एडिशन है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा आपको स्टिकर्स दिए गए हैं टायर के ऊपर, TVS रेसिंग यहाँ पे लिखा गया है। और कोई चेंज ये बाइक में नहीं हुआ है, सिर्फ एंड सिर्फ कलर अपडेट यहाँ पे आई है। तो जिनको ब्लैक पसंद है, ब्लैक कलर की बाइक लेना चाहते हैं फुल ब्लैक, वो भी TVS का बाइक, तो ये बाइक आप ले सकते हैं। पावर फिगर्स एग्जैक्टली सेम है, 17.7 PS का पावर आपको मिलता है, 14.73 NM का आपको टॉर्क मिलता है, 160cc का ये इंजन है, ये एयर प्लस ऑयल कूल्ड इंजन आपको यहाँ पे मिलता है। एंड इसका जो वेट है ये 144 किलो है, 800 mm की इसकी सीट की हाइट है, 180 mm इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। तो बाइक के अंदर कोई भी चेंज और नहीं किया गया, मैकेनिकली ये बाइक में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। सामने आपको 17 इंच का ट्यूबलेस टायर मिलता है, 270 mm का आपको यहाँ पे डिस्क ब्रेक मिलता है, सुपर मोटो ABS मतलब सिंगल आपको ABS यहाँ पे मिलता है, पीछे आपको इसमें ड्रम ब्रेक मिलता है, हालांकि आपको 110 सेक्शन का टायर मिलता है, पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलता है 130 mm का। एग्जॉस्ट का साउंड आपको मैं आगे चलने के टाइम पर सुना दूंगा, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। पीछे आपको मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है, सामने आपको यहाँ पर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, यहाँ पर आपको फुल LED हेडलैम्प दी गई है, हालांकि आपको जो इंडिकेटर्स है वो हेलोजन बल्ब के साथ ही मिलेंगे। E20 कंप्लाइंट ये इंजन है, और आपको एक प्रॉपर सीट मिलती है यहाँ पे, आप देख सकते हैं आपको थोड़ा सा कार्बन फाइबर का टच भी देखने को मिलता है, मतलब ये सिर्फ सीट का डिजाइन और पैटर्न ऐसा है। और यहाँ पे आपको ग्रैब रेल है जो ग्रे कलर में दिया गया है, RTR 164V यहाँ पे लिखा गया है, और कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। तो इंजन की बात करें तो यहाँ पे आपको तीन राइडिंग मोड मिलते हैं, रेन, अर्बन एंड स्पोर्ट। स्पोर्ट मोड में आपको फुल पावर मिलेगी, 17.5 PS का जो पावर है, 14.73 NM का इसका टॉर्क है, वो पूरा आपको मिलेगा, मतलब वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। बट जो रेन एंड अर्बन मोड है ना, वहाँ पे आपको RPM का रिस्ट्रिक्शन रहता है, मतलब एक RPM के बाद में आप बाइक को आगे नहीं भगा पाओगे। कंपनी की वेबसाइट के हिसाब से अगर आप देखोगे ना, तो वहाँ पर रेन एंड अर्बन मोड में आप 103 किलोमीटर पावर की स्पीड तक ही ये बाइक को लेके जा सकते हैं। बाकी जो स्पोर्ट मोड है वहाँ पर आपको फुल पावर इसका मिलता है, तो आप टॉप स्पीड आराम से मार सकते हो। तो ये पावर मोड यहाँ पे आपको दिए गए हैं, राइडिंग मोड यहाँ पे दिए गए हैं। अब रही बात पावर डिलीवरी की, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द लो RPM आपको बहुत तगड़ी पावर मिलती है, मिड रेंज भी बहुत इसकी स्ट्रॉन्ग है, और टॉप एंड है ना, मतलब टॉप RPM में जब आप जाते हो ना, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ये लगता है कि हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी आपको वीक फील आती है, मतलब बाइक थोड़ा सा कम पावर प्रोड्यूस करती है। टॉप RPM में NS 160 जो है ना, थोड़ा और अच्छा पावर देती है। टॉप एंड आपको NS 160 में अच्छा मिलेगा, बाकी इनिशियल RPM एंड मिड रेंज जो है ना, इसमें आपको बहुत तगड़ी मिलेगी। अब देखो यहाँ पे आपको गियर पोजिशन इंडिकेटर नहीं दिखेगा, बट फिर भी आपको बता दूँ कि मैं अभी चल रहा हूँ पाँचवें गियर में, और पाँचवें गियर में आप देखिए मैं 30 की स्पीड पर यह बाइक को आराम से चला सकता हूँ, कोई भी नोकिंग मुझे फील नहीं हो रही है। आई टेल यू हाउ। देखो यहाँ पे एक फीचर है GTT, ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी, और ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक करके टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे अपने आप ऑटो एक्सेलरेशन रहता है। अभी आप देखिए मैं थ्रॉटल से मैंने हाथ हटा लिया है और बाइक आराम से चल रही है, गियर कम करता हूँ थोड़ी सी स्पीड कम हो जाएगी, बट बाइक फिर भी चलती रहेगी। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ये बाइक के लिए।
ये कहाँ काम आता है, स्पेशली जब आप सिटी में चलाते हो ना वहाँ पे आपको बहुत काम आता है, जो आपको एनएस 160 में नहीं मिलता है। और ये चीज़ बहुत अच्छी है भाई, आप अगर 15 से 20 की स्पीड पे भी चल रहे हो ना, वहाँ पे भी आप थर्ड या फोर्थ गियर में ये बाइक को आराम से चला सकते हो। आप हाथ भी हटा सकते हो थ्रोटल से, मतलब आपको हाथ हटाना नहीं है, बट देखिए मैं चौथे गियर में चल रहा हूँ और बाइक आराम से चल रही है, कोई भी नॉकिंग नहीं है, कोई जर्क्स नहीं है। दिस इज कॉल्ड GTT ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी और ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक, ये TVS की बाइक्स में आती है। और हर टाइम मिड रेंज स्ट्रॉन्ग होने की वजह से क्या है, आपको बार बार गियर डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप हायर गियर में लो स्पीड पे ये बाइक पे चल सकते हैं, विच इज़ ए प्लस पॉइंट व्हेन यू स्टार्ट राइडिंग इन द ट्रैफिक। मतलब ट्रैफिक में आप चलाओगे ना तो वो टाइम पे आपको ये चीज़ बहुत काम आएगी, बार बार गियर शिफ्ट करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब हम बात करते हैं इंजन हीट के बारे में। तो देखो यहाँ पे आपको एयर प्लस ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है, तो हीटिंग को लेके आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। एंड मोस्टली क्या होता है, जब आप हायर आरपीएम पे जाते हो ना, जब यू नो 100 प्लस स्पीड आप कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ऐसा फील होता है कि हाँ बाइक हीट कर रही है, बट ये बाइक में वो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। एंड बैक टू बैक ट्रैफिक, मतलब आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चला रहे हो ना, तो वहाँ पे भी आपको बिल्कुल भी ये बाइक से हीट फील नहीं होगी। रही बात रिफाइनमेंट की, तो बहुत ही रिफाइंड इंजन है भाई, आपको थोड़ा बहुत बज फील हो सकता है। जो टैंक है इसके दोनों ही तरफ जो हैंडल बार है, आई विश मैं आपको बिठा पाता बट मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, बच्चा मुझे रोकने के लिए बोल रहा है। सो आपको थोड़ा बज फील हो सकता है हैंडल बार पे, थोड़ा सा जो टैंक है ना उसके दोनों ही तरफ, बाकी और कहीं भी आपको वाइब्रेशन फील बिल्कुल भी नहीं होंगे। हालांकि सिंगल सिलेंडर इंजन है तो आपको थोड़ा बहुत तो पता ही है कि सिंगल सिलेंडर इंजन आप कोई भी चला लो, चाहे आप 100 CC का चला लो, चाहे आप 400 CC का चला लो, आपको थोड़े बहुत वाइब्रेशन फील होते ही होते हैं। और वो एक इंजन का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, बिकॉज आपको मज़ा आना चाहिए ना भाई, जब आप बाइक चला रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत वाइब्स तो फील होना चाहिए ना। सो वाइब्रेशंस इतने नहीं है, बस इतना ज़्यादा नहीं है कि आपको चलाने में ही कोई दिक्कत हो। सो इंजन बहुत रिफाइंड है, एंड स्पेशली जो BS6 फेस टू इंजन वगैरह है ना, ये बहुत ही अच्छे हैं। स्पेशली जो E20, ये E20 कंप्लाइंट इंजन है, तो ये बहुत ही रिफाइंड हो चुके हैं। सो रिफाइनमेंट को लेकर आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके गियरबॉक्स एंड क्लच के बारे में। तो यहाँ पे आपको क्लच को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, बिल्कुल भी हार्ड क्लच नहीं है। हालांकि ये वाला जो मॉडल है इसमें आपको क्लच एंड ब्रेक लीवर एडजस्टेबल नहीं मिलते हैं, बाकी RTR 160 सीरीज में बहुत सारे वेरिएंट्स है। सो कुछ वेरिएंट्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको एडजस्टेबल क्लच एंड ब्रेक लीवर मिलता है, बट ये वाले में आपको नहीं मिलता है। क्लच को आपको बार बार अगर यूज़ करना है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, बार बार आप ट्रैफिक में चलाओगे तो वैसे आपको गियर डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो क्लच को लेकर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। गियर शिफ्ट बहुत स्मूथ है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट गियरबॉक्स आई वुड से इन दिस सेगमेंट। ये सेगमेंट में देखो, ये जो बाइक्स होती है ना, ये लोग क्यों खरीदते हैं पता है, 160 CC हो गया या फिर 200 CC सेगमेंट हो गया, एक तो उनको डेली कम्यूटिंग करना है, दूसरी बात उनको थोड़ा बहुत पावर भी चाहिए, साथ ही साथ उनको माइलेज भी अच्छा चाहिए, डेली कम्यूटिंग के लिए बाइक चाहिए। सो ये बाइक्स में आपको दोनों मिलते हैं, माइलेज भी अच्छा मिल जाता है और आपको पावर भी बहुत अच्छी मिल जाती है। ये सेगमेंट में 160 CC सेगमेंट में ये सबसे ज़्यादा पावरफुल बाइक है। आप कोई भी बाइक से इसको कंपेयर कर लो, N160 से कर लो, NS160 से कर लो, कोई भी बाइक से कंपेयर कर लो, सबसे ज़्यादा पावरफुल यही बाइक है। अब हम बात करते हैं इसके ब्रेक्स के बारे में। तो ये जो वेरिएंट मैं चला रहा हूँ ना, ये आपको पीछे ड्रम ब्रेक के साथ मिलता है, मतलब सामने आपको ABS मिलता है, डिस्क मिलता है ऑलमोस्ट 270 mm का, बट पीछे आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया, इसमें आपको बहुत सारे वेरिएंट्स मिलते हैं, तो अगर आपको बजट का कोई इशू नहीं है तो आप इसका ड्यूल चैनल ABS ले सकते हैं, बट अगर आपको ये ब्लैक वाला ही चाहिए तो आपको अभी ये मेरे हिसाब से सिंगल डिस्क मतलब फ्रंट डिस्क के साथ ही मिलेगा, पीछे आपको ड्रम ब्रेक ही मिलेगा। पीछे का ब्रेक आपको मैं लगा के दिखा देता हूँ। तो पीछे के ब्रेक की बाइट काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे ड्रम ब्रेक है तो थोड़ा सा भी आप ज़्यादा दबाओगे ना तो पीछे का ब्रेक लॉक हो जाता है, बट आपको जो फील है ना वो अच्छी मिलती है। अब आपको मैं सामने का ब्रेक लगा के दिखाता हूँ, पीछे कोई नहीं आ रहा है। सामने के ब्रेक की बाइट बहुत ही अच्छी है, मतलब एकदम से शार्प ब्रेकिंग नहीं है, ताकि आपको वो जो डर है ना अचानक से ब्रेक लगाने वाला और बाइक एकदम से झटके से रुक जाती है, वो यहाँ पे आपको फील बिल्कुल भी नहीं होगा। प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग जो बोलते हैं ना, वो यहाँ पे आपको फील होगी ये बाइक की, जहाँ पे आपको बाइक को रोकना है वहाँ पे ये बाइक रुक जाती है। और पैसे का जैसे आपको मैंने बताया टेंशन नहीं है, बजट कोई इशू नहीं है, तो आप ड्यूल चैनल ABS वाली बाइक RTR 160 ले सकते हैं, उसमें आपको और अच्छी ब्रेकिंग मिल जाएगी। यहाँ पे भी आपको ब्रेकिंग को लेके कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बात करते हैं इसके सस्पेंशन के बारे में। तो पीछे का सस्पेंशन सॉफ्ट है, आप छोटी मोटी जो गड्ढे वड्ढे आते हैं ना और ख़राब रोड आती है वहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, आराम से आपको कंफर्टेबल राइड मिलेगी। सामने का सस्पेंशन जो है ना वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। बट एक चीज़ आपको यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इसको कंपेयर करते हो NS160 के सस्पेंशन से, तो मुझे लगता है कि NS160 का जो सस्पेंशन है ना वो थोड़ा बेटर है, बिकॉज वहाँ पे आपको हाई स्पीड की जो स्टेबिलिटी है ना वो काफ़ी अच्छी मिलती है। यहाँ पे भी आपको स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी मिलती है, जब आप कॉर्नर करते हो ना
सिंस इसका सस्पेंशन थोड़ा सा सॉफ्ट है, उसकी वजह से आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ आप राइट जा रहे हो, बाइक जो है ना वो ऐसे लेफ्ट में खींच रही है। वो थोड़ा सा आपको कॉर्नर में कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा नहीं आता है जितना आपको NS 160 में आता है। उसमें आपको सामने USD सस्पेंशन मिलता है, जिसकी वजह से क्या है आपको और ज़्यादा अच्छी स्टेबिलिटी मिलती है, और वहाँ पर आपको जो हैंडलिंग है ना वो भी थोड़ी बेटर मिलती है कम्पेयर टू ये जो RTR 160 4V से। सो अगर आप ऐसे इंसान हैं जिनको कॉर्नरिंग करने का ज़्यादा शौक है और जिनको हाई स्पीड ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहिए, तो MS 160 जो है ना वो थोड़ी सी बेटर है इन टर्म्स ऑफ सस्पेंशन। अब हम बात करते हैं सीटिंग पोस्चर के बारे में। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, देखो सीटिंग पोस्चर काफ़ी अच्छा है बाइक का, बट फुटपैक्स काफ़ी पीछे होने की वजह से आपको एक स्पोर्ट बाइक का फील आएगा। मतलब जो स्पोर्ट्स बाइक होती है ना कि आप थोड़ा सा सामने झुक के बैठते हो, वैसा वाला आपको एक फील आएगा। आपके पैर थोड़े पीछे हैं, मतलब जहाँ पे आप बैठते हो ना एग्जैक्टली उसके थोड़ा पीछे आपको पैर रखना पड़ेगा, जिससे क्या है आपको एक स्पोर्ट्स बाइक पे बैठने वाला फील आएगा। इससे क्या है कम्फर्ट जो है ना आपका, राइडिंग कम्फर्ट है, सीट कम्फर्ट है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। सो पूरे दिन इसको चलाओ, एंड जो सीट का कम्फर्ट है वो काफ़ी अच्छा है। प्रॉपर आपको सीट मिलती है, पिलियन के साथ आप आराम से बैठ सकते हो, एक दूसरे के अंदर घुस के बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आपको मोस्टली यामा MT-15 में छोटी सी सीट मिलती है, एक दूसरे के अंदर घुस के बैठना पड़ता है, तो वो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा, प्रॉपर सीट है। तो अगर आप ऐसे लॉन्ग राइड वगैरह 200-300 किलोमीटर करना चाहते हो तो वो टाइम पे भी आपको कोई भी दिक्कत ये बाइक की सीट से होने वाली नहीं है। अब हम बात करते हैं बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल के बारे में, वो है कि भाई माइलेज कितना देती है। तो भाई माइलेज डिपेंड करता है कि आप कैसे चलाते हो। मेरे हिसाब से ये बाइक आपको 40 प्लस का माइलेज आराम से दे देगी सिटी में, और आप ऐसे इंसान हैं जिसको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव चलाना है तो भी आपको 38 से लेकर 40 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ये बाइक से मिल जाएगा। ये सेगमेंट में मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली बाइक यही है। अगर आपके पास कोई दूसरी बाइक है ये सेगमेंट की और आपको लगता है कि वो बाइक ज़्यादा माइलेज देती है तो नीचे कमेंट करके मुझे बताएं। बिकॉज जिस तरीके से ये बाइक पावर प्रोड्यूस करती है इनिशियल RPM में एंड मिड रेंज में, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये बाइक आपको बहुत अच्छा माइलेज दे देगी। 40 तो आपको आराम से बाइक से मिल जाएगा, उससे ज़्यादा भी आपको मिल सकता है अगर आप आराम से बाइक को चलाते हैं। हाईवे पे आपको मैं बोलता हूँ कि 50 प्लस का माइलेज ये बाइक से मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं सिस्टम कंट्रोल की विजिबिलिटी के बारे में। तो यहाँ पे आपको देखो कोई भी स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जितनी भी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलती है, जो भी चीज़ आपको देखने की ज़रूरत पड़ती है बाइक को चलाने के टाइम पे, वो आपको एकदम से परफेक्ट यहाँ पे दिख जाती है। जैसे कि RPM है, स्पीड है, कितने किलोमीटर आप चल चुके हो, जो क्लॉक वगैरह है वो आपको देखने को मिल जाता है। अब आपको मैं स्टार्टिंग में बता रहा था ना कि इसमें जो तीन मोड है ना उनमें थोड़ी सी पावर और जो RPM है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। अभी मैं आपको स्पोर्ट मोड में सेकंड गियर में इसका फुल RPM मार के दिखाता हूँ। तो अभी मैं फर्स्ट गियर में हूँ, सेकंड गियर में इसको डालता हूँ। ऑलमोस्ट 11,000 RPM पे ये रेड लाइन कर जाती है। ये मैं स्पोर्ट मोड में हूँ। अब आपको मैं इसका जो दूसरा मोड है ना अर्बन और जो रेन, उनमें से एक मोड यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ। तो मैंने इसको अभी रेन मोड में डाल दिया है। अभी मैं सेकंड गियर में हूँ, फिर देखिए ये फर्स्ट गियर और ये सेकंड गियर। अभी आप देखिए 9,000 RPM पे रेन मोड में ये रेड लाइन कर चुकी है। अब इसका मोड में चेंज करता हूँ, इसको मैं अर्बन मोड में डालता हूँ। 9,000 RPM पे ये जो RPM है ना वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। और आपको टॉप स्पीड बताऊं तो कंपनी की वेबसाइट के हिसाब से पांचवा गियर यूज करके आप 103 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसे अचीव कर सकते हो रेन एंड अर्बन मोड में। बाकी स्पोर्ट मोड में तो आप पूरी जो पावर है वो इसकी यूज कर सकते हो। इसी का सस्पेंशन जो इसका है ना वो थोड़ा सॉफ्ट है अभी, तो उसको आप चाहो तो एडजस्ट कर सकते हो, एडजस्टेबल सस्पेंशन आपको मिलता है। अर्बन मोड में मैं चला रहा हूँ, तो अर्बन मोड में आपको इसकी टॉप स्पीड दिखाता हूँ। रेन एंड अर्बन मोड में इसकी सेम टॉप स्पीड आपको मिलेगी। सामने एक डॉगी आ गया है। RPM पे आके इसका जो RPM है ना वो लॉक हो जाएगा। कंपनी ने 103 किलोमीटर पर आवर, मैं 107-108 जा चुका हूँ और यहाँ पे RPM हिट कर रहा है। सो ऑलमोस्ट 109 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आप अचीव कर सकते हो रेन एंड अर्बन मोड में।
सो अब हम बात करते हैं कि आपको RTR 160 4V लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। देखो भाई, अगर NS 160 का जो UHD सस्पेंशन है अगर उसको हम भूल जाएं, उसको साइड में हटा दें, तो हर चीज़ आपको यहाँ पे ज़्यादा मिलती है। यहाँ पे आपको मोर पावर मिलता है, मोर टॉर्क मिलता है, ज़्यादा आपको फीचर्स मिलते हैं। सो ये थोड़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बाइक हो जाती है एंड ऑलमोस्ट 10,000 रुपये आप कम इसका पे कर रहे हो। अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जहाँ पर आपको ज़्यादा टॉप एंड पावर चाहिए, थोड़ी और ज़्यादा बेटर हैंडलिंग चाहिए, तो आप जा सकते हैं NS 160 के लिए। बट अगर आपको ज़्यादा माइलेज एंड ज़्यादा फीचर्स, ज़्यादा पावर, ज़्यादा टॉर्क चाहिए, तो आप RTR 160 4V ले सकते हैं। दिस इज़ मोर वैल्यू फॉर मनी बाइक। तो ये था मेरा वीडियो राइड रिव्यू का। अगर आपको और कुछ जानना है ये बाइक के बारे में या फिर कोई भी बाइक के बारे में, तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हैं। आप चाहो तो कमेंट भी कर सकते हैं नीचे। आपको कोई भी बाइक का वीडियो देखना है और रिव्यू करवाना है, तो आप बाइक का नाम नीचे मेंशन कर दीजिए। मैं ट्राई करूँगा कि आपको मैं एक प्रॉपर वीडियो बना के वो बाइक का आपके लिए पोस्ट कर दूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राइड सेफ एंड ऑलवेज वेयर योर हेलमेट।